तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, आज के लिए हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर। हिंदी सब्जेक्ट में काव्य खंड का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा चैप्टर। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं? अगर आप सब तैयार हैं तो इस क्लास को जल्द से शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ लीजिए। तो चलिए, आज हम लोग बात करते हैं गोधूली भाग टू, जो हमारा पुस्तक है उस दो भाग। कौन कौन से भाग हैं? एक है गद्य खंड और एक है काव्य खंड। काव्य खंड का पहला चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, अब काव्य खंड का ही दूसरा चैप्टर हम लोग देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका। क्या नाम है? प्रेम अयनी श्री राधिका। किसके द्वारा रचित है? इनके रचनाकार जो हैं वह हैं रस खान जी। ठीक है, तो इसी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरे व्याख्या के साथ में। ठीक है, उसका अर्थ जानते चलेंगे, पूरा व्याख्या जानते चलेंगे। तो चलिए, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रचनाकार के बारे में, कवि के बारे में। कवि का परिचय हम लोग जानेंगे, क्योंकि जो भी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो पहले हम लोग लेखक परिचय पढ़ रहे हैं। तो अब इसमें चूंकि ये कवि हैं तो कवि का परिचय हम लोगों को जान लेना बहुत अति आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि हिंदी क्लास 10 काव्य खंड अध्याय 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कवि के परिचय के बारे में। कवि का जो नाम क्या है? रस खान नाम, लेकिन उनका जो ओरिजिनल नाम है ना वो कुछ और है। ठीक है, सैयद इब्राहिम खान उनका पूरा नाम है, जो कि एक मुस्लिम घराने से है, मुस्लिम धर्म से। देखिए, प्रेम अयनी श्री राधिका। ठीक है, प्रेम अयनी श्री राधिका। लेखक परिचय, लेखक का नाम रस खान। ठीक है, लेखक का नाम क्या है? रस खान। अगर इनका पूरा नाम हम लोग देखें, इनका पूरा नाम हम लोग देखें तो सैयद इब्राहिम खान इनका पूरा नाम है। ठीक है, मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं रस खान जी। अब देखें इनका जन्म कब हुआ। इनका जन्म होता है 1548 ईस्वी में। 1548 ईस्वी में इनका जन्म होता है एक पठान परिवार में, जो कि दिल्ली में। इनका जन्म कहाँ होता है? दिल्ली में एक पठान परिवार में 1548 ईस्वी में इनका जन्म होता है। अब देखिए, ये जहांगीर के समकालीन थे। ये देखिएगा, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि रस खान जो है वो किसके समकालीन थे, हाँ किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, तो याद रखिएगा ये जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हो जाती है। इनकी मृत्यु कब हुई? 1628 ईस्वी में। अब आप लोगों को याद क्या करना है इसमें? इनका पूरा नाम याद करना है, रस खान जी का पूरा नाम याद करना है, सैयद इब्राहिम खान। ठीक है, ये पहला पॉइंट। इसके बाद आपको याद करना है जन्म और मृत्यु। तो इनका जन्म हुआ था 1548 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में इनका जन्म हुआ था, एक पठान परिवार में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो मृत्यु है वो होता है 1628 ईस्वी में। और ये जहांगीर के समकालीन थे। जब जहांगीर यहाँ का जो राज जहांगीर जब यहाँ पर राज करता था उस समय रस खान थे, मतलब कि उनके समकालीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह दिल्ली में पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। दिल्ली पर जब मुगलों का अधिकार हो गया तो यह दिल्ली भाग खड़े हुए। जब दिल्ली में, ये कहाँ पे इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तो जब दिल्ली में मुगल शासक आए थे, जब मुगलों का राज हो गया दिल्ली में, तब ये वहां से क्या किए? वहां से भाग गए। और वहां से भाग कर कहाँ पे आ गए? ब्रजभूमि में आ गए। रस खान जी दिल्ली छोड़ दिए और दिल्ली से भाग कर कहाँ पे गए? ब्रजभूमि में गए। और ब्रजभूमि में जाकर के कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए। कृष्ण की लीला पर काव्य की रचना करते थे। किसकी लीला पर? कृष्ण की लीला पर। चूंकि ये किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे, और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे। तो कृष्ण की जो लीलाएं थी ना, उन्हीं पर ये काव्य की रचना करते थे, काव्य रचते थे। इनकी रचनाओं को भारतेंदु हरिश्चंद्र भी प्रशंसा किए हैं। इनकी जो रचना है, इनकी जो काव्य रचना है, उनकी प्रशंसा किसने किया है? उनकी बड़ाई किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। राजा हरिश्चंद्र का नाम आप लोगों ने सुना है, तो वो भी इनके जो काव्य रचनाओं का जो संग्रह होता है इनकी प्रशंसा की है। देखिए, गोस्वामी विठल नाथ जी,
ने कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति को देखकर अपना शिष्य बना लिया। अब पूछा जाए कि रसखान जी जो हैं, रसखान जी इनके गुरु का क्या नाम थे? तो गुरु का नाम क्या था? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। ठीक है, क्या नाम था? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। किसके गुरु थे? रसखान जी के गुरु थे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, याद रखिएगा। देखिए बचपन से ही यह प्रेमी स्वभाव के थे, बचपन से ही इनका मन प्रेम की तरफ ज्यादा आकर्षित हुआ करता था। ये अथाह प्रेमी थे, मतलब प्रेम के प्रति इनके दिल में जो है ना, इनके हृदय में प्रेम बसता था। तो बचपन से ही यह प्रेमी स्वभाव के थे। कैसे स्वभाव के थे? प्रेमी स्वभाव के थे। बाद में यही जो प्रेम है ना, ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। ईश्वरीय मतलब होता अलौकिक, अलौकिक प्रेम में बदल गया। भक्ति से उत्प्रेरित होकर ब्रज भूमि में रहने लगे और मृत्यु तक वहीं रहे। जब कृष्ण की भक्ति इनके हृदय में जागृत हुई, तब यह क्या कहिए, कृष्ण की भक्ति में ब्रज भूमि में रहने लगे, और जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक ये कहां पर थे? ब्रज भूमि में ही रहते रहे। ठीक है, रसखान कृष्ण का लीला पदों में नहीं बल्कि सवैयों, सवैया किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएगा कि सवैया किसे कहते हैं, दोहा किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। हालांकि यहाँ पर एक हिंट दिया है मैंने, कृष्ण का लीला जो है पदों में नहीं बल्कि सवैयों में। सवैया किसे कहा जाता है? हिंदी का एक वारणिक छंद होता है जिसमें चार पंक्तियां होती है, एक वारणिक छंद होता है, छंद भी पढ़ने को मिल जाएगा हिंदी व्याकरण में। तो ये छंद होता है जिसकी लाइन कितनी होती है? चार लाइनें होती हैं। उसमें शब्द और मात्राओं का एक सीमित सीमित अंक रहता है कि इतना ही अंक होंगे, इतना ही वर्ण होंगे और इतने ही मात्रा होगी। ठीक है, तो वैसे छंद के बहुत सारे उदाहरण भी हैं, ये पढ़ने को मिलेगा हिंदी व्याकरण में। तो आपको मोटा मोटा ये बता दें कि जो सवैया होता है ना, एक प्रकार का हिंदी का छंद है जिसमें चार पंक्तियां होती है। उसमें कितने पंक्तियां होते हैं? चार पंक्ति होती है। ठीक है, तो सवैयों में भी इन्होंने रचना किया। अब देखिए प्रमुख रचनाएं इनकी कौन कौन सी? सुजान, रसखान तथा प्रेम वाटिका। ठीक है, इनकी रचनाओं में मशहूर जो रचना है कौन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, सुजान। ये एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, सुजान इनकी रचना है, प्रमुख रचना है। इसके बाद रसखान और प्रेम वाटिका। ठीक है, सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, याद रखिएगा। ये रसखान जी की मतलब महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाता है आप लोगों से। अब पाठ का परिचय देख लेते हैं कि इस पाठ में रसखान जी ने हमें क्या संदेश दिया है, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं रसखान जी इस पाठ के अंतर्गत। तो देखिए पाठ परिचय, प्रस्तुत पाठ में, प्रस्तुत पाठ हिंदी के लोकप्रिय कवि रसखान द्वारा रचित है। ये जो पाठ है किसके द्वारा रचित है? रसखान जी के द्वारा रचित है। प्रथम पद दोहा, प्रथम पद जो है दोहा में है और सोरठा में संकलित है। प्रथम जो पद है दोहा और सोरठा में संकलित है। और द्वितीय छंद जो है, द्वितीय छंद जो है सवैयों में संकलित है, सवैयों में संकलित है। प्रथम पद में, प्रथम पद में कवि जो है राधा कृष्ण के प्रेममय जोड़ी को दिखाते हैं। पहले पद में क्या करते हैं, जो कवि हैं राधा और कृष्ण के जो हैं प्रेममय जोड़ी, उनको दर्शाते हैं, दिखाते हैं अपने पद्य के माध्यम से। ठीक है, तथा द्वितीय पद में सवैयों में कृष्ण और अपने ब्रज पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने की बात करते हैं। दूसरे पद, जब हम लोग दूसरा पद पढ़ेंगे तो उससे यह पता चलता है कि जो रसखान थे ना, कृष्ण पर और ब्रज पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे। ठीक है, ये उन्होंने बताया है दूसरे पद में। लेकिन पहले पद में क्या बताया है? सिर्फ और सिर्फ राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया है। कवि ब्रज में जीना चाहता है, कवि कहाँ जीना चाहता है? कवि ब्रज में जीना चाहता है। कवि कौन है? रसखान। अगर पूछ दिया जाए कि रसखान कहाँ जीना चाहते हैं, तो आप लोग कहिएगा ब्रज भूमि में जीना चाहते हैं कवि। ठीक है, इसमें कवि जो है, कवि ब्रज के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। मतलब कवि के माध्यम से, कवि के माध्यम से ये कहा जाता है कि मैं ब्रज पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता हूँ, और मेरा सब कुछ जो है कृष्ण पर और ब्रज पर न्यौछावर है, समर्पण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक पद यहां पर दिया गया है,
और एक पद जो है यहां पर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि दोनों में जो है ना चार चार पंक्तियां हैं, ठीक है। कितने पंक्तियां हैं? चार चार पंक्तियां हैं, यही है छंद। चलिए स्टार्ट करते हैं पद के बारे में। देखिए, प्रेम अयन श्री राधिका प्रेम वरण नंदनंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। ये जो माली मालिन वाला है ना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है कि माली मालिन किसे कहा गया, कभी माली मालिन किसको कहते हैं, ठीक है। ये इसमें पढ़ने को मिल जाएगा जब हम लोग इसका हिंदी अर्थ पढ़ेंगे। तो देखिए, मोहन छवि रसखानी लखी जब द्रिगु अपने नाही अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। इसका मतलब क्या हुआ कि रसखान कवि कहते हैं कि राधिका प्रेम का खजाना है। राधिका क्या है? प्रेम का खजाना है, ठीक है। तो राधिका क्या है? प्रेम का खजाना है। और श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण कौन है? नंद के बेटा, नंद के बेटा यहाँ पर दिया है ना, नंद नंद मतलब नंद के नंद, ठीक है। नंद के घर आनंद भयो, सुना है ना आप लोगों ने, तो नंद के नंद मतलब नंद का बेटा जो है श्री कृष्ण प्रेम का रूप है। राधा क्या है? प्रेम की खजाना है, प्रेम का खजाना है, और कृष्ण जो है प्रेम का रूप है। प्रेम रूपी बाग में, प्रेम रूपी बाग में ध्यान दीजिएगा, प्रेम रूपी बाग में दोनों माली मालिन के जैसे हैं। प्रेम का जो बाग होता है उसमें ये जो कृष्ण है और राधा है, ये क्या है? माली और मालिन है। माली मालिन का काम क्या होता है? पौधों को सींचना। ये प्रेम वाले जो बाग होते हैं ना, प्रेम का जो बाग, उसके ये माली मालिन है और ये सींचते रहते हैं प्रेम और बढ़ते जाता है। देखिए, एक बार श्री कृष्ण का रूप देख लेने के बाद दूसरा रूप देखने का मन नहीं करता है। अब कवि कहते हैं कि अगर हम श्री कृष्ण के एक बार रूप को देख लें, श्री कृष्ण के रूप को अगर एक बार देख लें, तो फिर उनके अलावा दूसरा कोई रूप देखने को मन ही नहीं करता, जी नहीं भरता इनके रूप देखने से। अर्थात आंखें इन्हीं दोनों को देखती रहती है। अर्थात क्या है? आंखें जो हैं सिर्फ राधा और कृष्ण को देखती रहती हैं, राधा और कृष्ण के प्रेम को देखती रहती हैं, इनके अलावा कुछ भी देखने को जी नहीं करता है। रसखान ने जब से कृष्ण के छवि को देखा है, छवि मतलब क्या होता है? छवि मतलब होता है उनका रूप, उनका रूप। फोटो देखे हो ना, फोटो को ही छवि कहा जाता है, ठीक है, इमेज। हाँ, जब से रसखान ने कृष्ण के छवि को देखा है, उसका जो नयन है, नयन मतलब होता है आंख, क्या होता है? आंख। तब से उसका नयन अपना नहीं है। कवि कहते हैं, कवि कौन है? रसखान। रसखान जी कहते हैं कि जब से हमने कृष्ण को देखा है, कृष्ण के छवि को देखा है, उनके इमेज को देखा है, तब से ये जो आंख है ना मेरा अपना नहीं है, ये जो मेरा नयन है ये मेरा अपना नहीं है, ठीक है। क्षण भर के लिए आते हैं जैसे धनुष से बाण छूटता है। ये जो कृष्ण का जो रूप है ना, क्षण भर के लिए आते हैं जैसे कि धनुष से कोई बाण छूट गया, ठीक है, उसी प्रकार आते जाते रहते हैं। ये हमेशा आते जाते रहते हैं हमारे आंखों के सामने, हमेशा आते जाते रहते हैं। हमें सोते हुए भी, जागते हुए भी सिर्फ कृष्ण की छवि दिखाई देती है, कृष्ण का ही रूप दिखाई देता है, राधा कृष्ण के प्रेम दिखाई देते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? रस खान जी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा पद। मोमन माणिक ले गयो चित चोर नंद नंद। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चित चोर जो है, ठीक है, चित का मतलब होता है मन, ठीक है, और मन को चुराने वाले चित चोर कहलाते हैं, और चित चोर किसको कहा गया है? कृष्ण को कहा गया है। तो मोमन माणिक ले गयो चित चोर नंद नंद अब बे मन मैं का करूं परी फेर के फंद प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैननी लगियो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। इसका अर्थ जो है क्या है? मैंने मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया, मैंने मतलब मेरे मेरे जो है मेरे मन को कृष्ण ने चुरा लिया। चित्त का मतलब होता है मन, ध्यान दीजिएगा, चित्त का मतलब होता है मन, और मन को कृष्ण ने चुरा लिया श्री कृष्ण ने, ध्यान दीजिएगा। नंद नंद मतलब नंद के बेटे ने, नंद के बेटा कौन है? कृष्ण है, और कृष्ण ने कवि के जो है मन को चुरा लिए हैं, जिसके कारण अब मैं बेमन हो गया हूं, ठीक है।
कवि क्या कहते हैं कि कृष्ण ने मेरे मन को चुरा लिया है और अब मैं क्या हूं, बेमन हो गया हूं। लेखक अपनी अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस दिन से मैंने प्रेमी श्री कृष्ण को देखा हूं उसने मेरा मन चुरा लिया है। मतलब कवि कहते हैं, अपनी विवशता प्रकट करते हैं यहाँ पर, कि जब से हमने कृष्ण को देखा है, जब से हमने कृष्ण की छवि देखी है, जब से हमने कृष्ण का रूप देखा है, उन्होंने हमारे मन को चुरा लिया है। हर पल कृष्ण एवं राधा की सुंदरता के बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं। ठीक है, हर पल क्या करते हैं, राधा कृष्ण के प्रेम को बिना पलक झपकाए हम देखते रहते हैं। इस तरह, इस कदर उन्होंने हमारे मन की चोरी की है कि जब भी कृष्ण और राधा की सुंदरता को देखता हूं तो बिना पलक झुकाए, बिना पलक गिराए हम देखते ही रह जाते हैं। मतलब उनके प्रेम में हम डूब चुके हैं पूरी तरह से। कवि का कहना है, कवि जो है पूरी तरह से राधा और कृष्ण के प्रेम में लीन हो गए हैं। अब देखिए यहां पर दो पंक्तियां हैं। या लखूटी अरु कमरिया पर राज तिहुं पुर की ताज डरो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। कहता है यहां पर देखिए, ये क्या है, छंद है। क्या है, छंद है। ध्यान दीजिएगा, कबीर स्थान अपने दिल की अभिलाषा प्रकट करते हैं। उनके दिल में क्या है, कवि क्या चाहते हैं यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, अभिलाषा प्रकट हुए करते हुए कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए, अगर श्री कृष्ण की सिर्फ लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज्य को त्याग दूंगा। कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि अगर मुझे श्री कृष्ण के सिर्फ लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं इस तीनों लोकों को राज भी मिलेगा अगर, तो मैं त्याग दूंगा। किसके आगे, श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के आगे मैं तीनों लोकों के राज को भी त्याग सकता हूं, ऐसा कवि कहते हैं। अगर अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए, अगर अगर केवल नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए, नंद बाबा कौन, कृष्ण जी, और कृष्ण जी को अगर गाय मिल जाए चराने के लिए, तो जिसे कृष्ण चराते थे, तो आठों सिद्धियां नौ निधियों को सुख को भी भुला दूंगा। कहा जाता है ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो आठ सिद्धियां जो हैं और नौ निधियां हैं उनको भी मैं त्याग कर दूंगा, उनको भी मैं भुला दूंगा अगर श्री कृष्ण की वो गाय मिल जाए जिस गाय को श्री कृष्ण चराते थे, तो मैं दिन भर उसी को चराऊंगा, बाकी समस्त समस्त जो लोक के राज है ना उन सबको मैं भुला दूंगा, यहां तक कि आठों सिद्धियों और नौ निधियों को भी भुला दूंगा, ऐसा कबीर रसखान जी कहते हैं। चलिए अब है, रसखानी कबो इन अखिन सो, ब्रज के वनबाग तड़ाग निहारो, कोटिक रो कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कवि क्या कहना चाहते हैं कि जब से मेरी आंखों ने ब्रज के जंगलों निकुंजों, निकुंजों मतलब होता है वन वाटिका, ठीक है, वन वाटिका या फुलवारी, बाग बगीचा फुलवारी होता है ना वैसे, फुलवारी या उपवन, तालाबों तथा करील, करील क्या है, करील क्या है, एक प्रकार की कांटेदार झाड़ी होती है। करील क्या है, एक प्रकार की कांटेदार झाड़ी होती है। तो वही कहते हैं कि जब से मेरी आंखों ने ब्रज के जंगलों को देखा है, ब्रज के बागों को देखा है, फुलवारी को देखा है, कि सघन कुंजों, कुंजों का मतलब होता है झाड़ियों लताओं आदि से घिरा स्थान, वह जगह जहां लताएं छाई हो, इस सबको देखा है, तब से इच्छा होती है कि ऐसे मनोहर उपवनों की सुंदरता के सामने करोड़ों महल बहुत नीच प्रतीत होते हैं। कभी क्या कहते हैं कि जो हमने ब्रज में ऐसे बाग बगीचे देखे, बागवान देखे, ऐसी सुंदरता देखी, इसके सामने जो है करोड़ों का महल जो है वो भी फेल है, वो भी इसके नीचे दिखाई देता है। अब इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। जो कृष्ण का जो बाग है, लताओं से घिरा हुआ है, झाड़ियों से घिरा हुआ है, प्रेम का बाग है, ऐसे बागों के अगर सामने तुलना की जाए तो करोड़ों का जो महल होता है ना वो भी इसके सामने नीचे दिखाई देगा, निम्न दिखाई देगा। ठीक है,
अर्थात ऐसे कीमती महल को छोड़कर श्री कृष्ण जहां रासलीला करते थे वहीं निवास करूं। कवि क्या चाहते हैं, कवि यह चाहते हैं कि श्री कृष्ण जहां पर लीलाएं रचते थे, जहां पर लीला करते थे, वहीं पर रहने की अभिलाषा प्रकट करते हैं कवि। कहते हैं कि मैं वहां निवास करना चाहता हूं जहां कृष्ण लीलाएं करते थे। ठीक है, तो ये रहे इसका अर्थ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। इसका जो अर्थ है यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, अगर आप इसे PDF के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए और वहां से सारे PDF आपको मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए उसको आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा और इन सबके जो PDF हैं आप सबको मिलते रहेंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये रहे आज का पाठ, काव्य खंड का दूसरा चैप्टर था प्रेम यानी श्री राधिका, मतलब ये जो चैप्टर था बस किस पे आधारित था, राधा और कृष्ण पे आधारित था, जो कि राधा और कृष्ण के बारे में कौन बता रहे थे, रस खान जी बता रहे थे। ठीक है, जो कि एक महान कवि हैं। और रस खान जी किस समुदाय से थे, मुस्लिम समुदाय के थे। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम खान था और इनका जो जन्म हुआ था 1548 ईस्वी में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के एक पठान परिवार में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1628 ईस्वी में हुई थी। ये सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सब कुछ हमने बता दिया इस चैप्टर में। तो चलिए मिलते हैं एक अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर के साथ एक नए सेशन के साथ। तब तक आप हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।